दूर्वा यानी दूब, ये एक तरह की घास होती है जो गणेश पूजन में प्रयोग होती है। एकमात्र गणेश ही ऐसे देव हैं जिनको ये चढ़ाई जाती है। दूर्वा गणेश जी को अतिशय प्रिय है। 21 दूर्वा को इकट्ठी कर एक गांठ बनाई जाती है तथा कुल 21 गांठ गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती है। लेकिन आखिर क्यों दूर्वा की 21 गांठें ही गणेश जी को चढ़ाई जाती है, इसके लिए पुराणों में एक कथा है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में इसके बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य के कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का नाश करें। शिवजी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। जब श्री गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। जब गणेश जी ने दूर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। और दर्शकों, तभी से श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दूर्वा चढ़ाते वक्त बोले ये मंत्र। गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाते वक्त इन 10 मंत्रों को बोलें, यानी हर मंत्र के साथ 2 दूर्वा चढ़ाएं और आखिरी बची दूर्वा चढ़ाते वक्त सभी मंत्र बोलें। गणाधिपाय नमः। ओम उमापुत्राय नमः। ओम विघ्ननाशनाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम एक दंताय नमः। ओम इभवक्त्रताय नमः। ओम मूषकवाहनाय नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। औषधि है दूर्वा। इस कथा द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि पेट की जलन तथा पेट के रोगों के लिए दूर्वा औषधि का कार्य करती है। मानसिक शांति के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। ये विभिन्न बीमारियों में एंटीबायोटिक का काम करती है। उसको देखने और छूने से मानसिक शांति मिलती है और जलन शांत हो जाती है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि कैंसर रोगियों के लिए भी ये लाभप्रद है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।